नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं दी ऑल न्यू टोयोटा ग्लैंजा एस वेरिएंट के बारे में। आपको इसमें चार वेरिएंट देखने को मिलते हैं, ई एस और जी वी। एस जी वी वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक के भी ट्रांसमिशन देखने को मिलते हैं, हालांकि ये फिलहाल मैनुअल ट्रांसमिशन है जो कि 1.2 लीटर इंजन के साथ आता है। क्या कुछ चेंजेस जो किए गए हैं फेसलिफ्ट में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी लाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं, और उससे पहले भी बात कर लेते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स की। जो मेन कॉम्पिटिटर हैं इसकी मार्केट में, वैसे ये आप जानते हो, ये इसकी जेरोक्स कॉपी है टोयोटा मारुति की, बलिनो की। लेकिन कॉम्पिटिटर कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। i20 है इसकी कॉम्पिटिटर हुंडई की, और टाटा अल्ट्रोज कॉम्पिटिटर है इसकी मारुति की, बलिनो की, बाकी टोयोटा ग्लैंजा की। बाकी क्या कुछ चेंजेस जो किए गए हैं वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप फ्रंट में चेक कर पा रहे होगे, आपको LED में कुछ भी सेटअप नहीं मिलता है एस वेरिएंट में। हैलोजन में आपको हाई बीम और लो बीम के सेटअप्स देखने को मिलते हैं। फॉग लैंप की प्लेसमेंट आपको इस वेरिएंट में नहीं देखने को मिलती, हालांकि आप चाहो तो आफ्टर मार्केट यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हो। बाकी टोयोटा का ब्रॉड सा लोगो इसमें ऑफर किया गया है वाइट कलर में, क्रोम फिनिश आपको इसमें ज़रूर देखने को मिलती है, और यहीं पे आपको क्रोम की पट्टी आपको देखने को मिलती है। स्पाइकली सब फेस आपको इसमें देखने को मिलता है। बाकी कार्बन फिनिश में आपको फ्रंट की ग्रिल जो है वो ऑफर की गई है। इसकी प्लेट की आपको ऑप्शंस इस वेरिएंट में नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये इसकी कुछ फ्रंट प्रोफाइल है। फ्रंट प्रोफाइल में बात कर लें तो यहाँ पे आपको कर्व्स देखने को मिल जाते हैं, तो जो कि इस गाड़ी की लुक्स को और भी इन्हेंस कर देते हैं। फ्रंट में दो वाइपर आपको देखने को मिलते हैं, दो वॉशर आपको देखने को मिलते हैं। और रूफ़ में आपको बात कर ले तो रूफ़ में आपको एक कंटीना जो है वो ज़रूर ऑफर किया गया है। तो ये कुछ इसके साइड प्रोफाइल है। बाकी साइड में चलते हैं तो साइड में बात कर ले तो इस वेरिएंट में आपको व्हील कैप ज़रूर इंस्टॉल किए गए हैं टोयोटा की तरफ से। बाकी अपोलो के टायर्स आपको इसमें ऑफर किए गए हैं। टायर रेशियो की बात कर ले तो 185/55 R15 के आपको इसमें जो है वो टायर रेशियो आपको देखने को मिल जाता है। साइड ORVM कुछ इस तरीके से ऑफर किया गया है विद टर्न इंडिकेटर, और बॉडी कलर में डोर ओपनर आपको ज़रूर ऑफर किए गए हैं। तो साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके से आपको इस वेरिएंट में ऑफर की गई है। बी पिलर आपको ब्लैक मैट में आपको देखने को मिलता है। बाकी डोर में एक यहाँ पे भी पैनल दिया गया है जो कि मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम को दूर कर देता है। बाकी इसका डोर कुछ इस तरीके से बात खुलता है। सेंट्रल लॉकिंग के फीचर्स भी आपको एस वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं। 125/65 R15 के जो हैं इसमें आपको नॉर्मल स्टील रिम ऑफर किए गए हैं विद व्हील कैप की तरह आपको देखने को मिल जाता है। तो साइड प्रोफाइल टोयोटा ग्लैंजा की कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखती है। कैसी है साइड प्रोफाइल आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे अगर हमारे पहली बार हो तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1.2 VVT आपको इंजन आपको इसमें जो है वो ऑफर किया गया है। 88 की मैक्स पावर जो है वो जनरेट करके देता है। बाकी 113 NM का जिसमें जो है वो टॉर्क आपको जनरेट करके देती है टोयोटा ग्लैंजा। तो सनी टोयोटा, बाकी यहाँ पे ये वीडियो शूट हो रही है, आप लोगों को टेस्ट ड्राइव बुक करनी है तो आप नीचे दिए गए लिंक पे आप कॉल कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर दिख जाएगा, वहाँ से आप कॉल कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से साइड प्रोफाइल देखने को मिलती है। बाकी 40 लीटर का टैंक जो है, टैंक कैपेसिटी, फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इसमें ऑफर की गई है। बूट ओपन कर लेते हैं, बूट में चेक कराते हैं क्या क्या, लेकिन उससे पहले टेल लैंप्स की बात कर लेते हैं। जो टेल लैंप्स जो हैं वो आपको यहाँ पे LED टेल लैंप्स ऑफर किए गए हैं विद टर्न इंडिकेटर, और एक रिवर्स पार्किंग लाइट आपको इसमें ऑफर की गई है। 4 रिक्वेस्ट पार्किंग सेंसर जो हैं वो आपको इसमें ऑफर किए गए हैं। बाकी यहाँ पे आपको 2 रिफ्लेक्टर आपको रिवर्स में देखने को मिल जाते हैं, और यहीं पे आपको डिफॉगर जैसे फीचर्स तो आपको इसमें इंस्टॉल कराए गए हैं। स्पॉइलर भी आपको इस वेरिएंट में ज़रूर देखने को मिलता है। हाई स्टॉप माउंट लैंप और एक नॉर्मल एंटीना आपको इस वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। आइए इसका बूट ओपन करते हैं, और बूट में आपको बताते हैं कि बूट में क्या क्या आपको ऑफर किया गया है। तो ये कुछ आप इसका बूट चेक कर पा रहे हो। बूट में आपको एक पार्शियल ट्रे ऑफर की गई है, हालांकि इस बूट में आपको कोई भी लाइट ऑफर नहीं की गई है। 318 लीटर्स का आपको यहाँ पे एक ह्यूज सब बूट स्पेस ऑफर किया गया है, और यहाँ पे आपको एक स्टेपनी स्पेयर व्हील आपको देखने को मिलता है जिसका रेशियो है 185/65 R15 का। आपको यहाँ पे एक टायर आपको देखने को मिल जाता है आपका स्पेयर व्हील। बाकी यहाँ पे कुछ टूल्स के आपको किट ऑफर की गई हैं, यहीं पर आपको जैक देखने को मिल जाता है, जैक रिप्लेसमेंट। बाकी एक ह्यूज सा आपको बूट स्पेस आपको इस वेरियंट में देखने को मिलता है
टोयोटा ग्लैंजा की एस वेरिएंट में। बंद करते हैं इसके बूट को और चलते हैं फटाफट गाड़ी के अंदर, और आपको बताते हैं कि गाड़ी के अंदर से क्या क्या फीचर्स, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस जो हैं टोयोटा ग्लैंजा ऑफर करती है। ऑन रोड की प्राइस, ऑन रोड प्राइस के बारे में भी बात करेंगे जो कि लखनऊ में, बाकी एक शोरूम की बात बता दूंगा मैं आपको वीडियो को एंड में। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी के अंदर से आपको बताते हैं कि गाड़ी के अंदर से क्या क्या फीचर्स, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो गाड़ी ऑफर करती है। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे अगर हमारे पहली बार हो तो चैनल को भी प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऑलराइट गाइस, आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और कर लेते हैं गाड़ी के इग्निशन को ऑन, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इसके कीज़ दिखा देता हूं। यहां पे कुछ इस तरीके की आपको की ऑफर की गई है टोयोटा की, यहां पे टोयोटा का आपको लोगो देखने को मिलता है। हालांकि ये की पहले मारुति में भी आती थी, हालांकि अब भी मारुति में आती है, लेकिन अब ये गाड़ी की जो है आपको टोयोटा में भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको इग्निशन में लगा के इस गाड़ी को ऑन कर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से जो है वो गाड़ी आपका वेलकम करती है। टैकोमीटर कुछ इस तरीके का आपको इसमें देखने को मिलता है। बाकी क्या कुछ जो गाड़ी को खास बनाती है उसके बारे में भी हम डिटेल्ड में बात करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और फैमिली मेम्बर्स के भी साथ शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। तो बात कर लेते हैं इसके टैकोमीटर की, यानी कि इसके स्पीडोमीटर की। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, यहाँ से आप चेक कर पा रहे होगे तो आपको ट्रिप ए ट्रिप बी आपको देखने को मिलती है, ऑडोमीटर आपको देखने को मिलता है और क्लॉक के फंक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, और यहाँ पे आपको डिग्री का फंक्शन देखने को मिलता है, यानी कि टेम्परेचर का फंक्शन आपको देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, कितना फ्यूल है वो आपको गाड़ी यहाँ मेंशन करती है। बाकी यहाँ पे आपको रेंज देखने को मिलती है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, और यहाँ पे कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं, कितना रन करेगी आपकी गाड़ी कितने के पेट्रोल पे, वो सब फंक्शन आपको यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलते हैं। बाकी कुछ लाइट्स जो हैं वो ऑफर की गई हैं यहाँ, इंजन लाइट, बैटरी लाइट और आपको हैंड ब्रेक की लाइट्स आपको इस वेरिएंट में ज़रूर देखने को मिल जाती हैं। ये खास चीज़ें हैं इस वेरिएंट की। बाकी यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे आपको नॉर्मल सा आपको स्टेयरिंग व्हील आपको इस वेरिएंट में ऑफर किया गया है। डी कट से इंस्पायर्ड आपको स्टेयरिंग देखने को मिलता है, वॉइस कमांड आपको इस वेरिएंट में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको हैंडल पे जो ऑडियो माउंट्स कंट्रोल्स जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको ऑडियो माउंट्स कंट्रोल्स जैसे फीचर्स आपको इस वेरिएंट में देखने को मिलते हैं। टोयोटा का लोगो आपको ऑफर किया गया है। बाकी बात कर लेते हैं और चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश आपको देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश आपको देखने को मिलती है इस वेरिएंट में, जो कि इस गाड़ी को और भी खास बना देती है। बाकी यहाँ पे आपको एक एसी वेंट वो ऑफर किया गया है, और चेक कर पा रहे होंगे यहाँ पे आपको आइडियल स्टार्ट एंड स्टॉप बटन देखने को मिलता है। हेडलैम्प के लेवलर्स आपको ऑफर किए गए हैं। ORVM देखने को मिलता है। ORVM के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको ORVM देखने को मिलता है फोल्डेबल, और आप इसको यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हो अपने मन मुताबिक। बाकी यहाँ पे ऑल फोर पावर विंडो देखने को मिलती है, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन देखने को मिलती है और ऑटो अप भी देखने को मिलती है। बाई चांस आपका हाथ यहाँ फंसता है तो ये विंडो जो है ऑटोमेटिक नीचे की तरफ स्लाइड हो जाती है, जो कि एक काफ़ी प्यारा सा फंक्शन मुझे लगता है हर गाड़ी में। बाकी यहाँ पे आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री देखने को मिलती है टायर्स में, गेट पे डोर ओपनर पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री देखने को मिलती है ब्लैक एंड बेज के कॉम्बिनेशन के साथ, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो इस तरीके का कुछ डोर ओपनर है। यहाँ पे आपको एक लीटर बॉटल स्पेस देखने को मिलती है, कुछ यूटिलिटी स्पेस आपको इस वेरिएंट में देखने को मिलती है, फोर स्पीकर्स दो ट्विटर्स आपको इस वेरिएंट में जो हैं वो ऑफर किए गए हैं। अब बाकी यहाँ पे आपको विंडो लॉक करने के सेंट्रल लॉकिंग के ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको विंडोज़ लॉक करने के बटन्स जो हैं वो दिए गए हैं, यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज ज़रूर देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको फ्यूल लिड ओपनर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे बोनट के ओपनर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि एक खास बात है, आपको हर गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको वाइपर्स के टॉगल्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे कुछ लाइट्स के टॉगल्स जो हैं वो ऑफर किए गए हैं। एक आपको अच्छा खासा इंटीरियर जो है टोयोटा की ग्लैंजा है ऑफर करती है एस वेरिएंट में, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग अपने कमेंट्स के सेक्शन में बता सकते हो बाकी बलिनो में क्या चेंजेस मिलते हैं और टोयोटा ग्लैंजा में क्या चेंजेस मिलते हैं, उसके बारे में भी बात कर ले। फीचर्स जो हैं वो एज इट इज़ आपको सेम देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ जो टचअप्स हैं गाड़ी के वो आपको खास बना देती है टोयोटा की ग्लैंजा और मारुति की बलिनो अपने अपने सेगमेंट में। बाकी पहले चेंजेस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होगे जो ये कलर है,
ये बेज कलर, ये आपको काफी प्यारा आपको देखने को मिलता है। यानी कि इसको मैं ओरिजिनलिटी अगर आपको दिखाऊं जूम करके, तो कुछ इस तरीके का आपको जो ओरिजिनलिटी है गाड़ी की वो आपको देखने को मिलती है कुछ इस तरीके की। बाकी यहाँ पे जो कलर आपको ऑफर किया गया है वही कलर आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा डोर पे, और वही कलर आपको सीट पे भी ऑफर किया गया है, कुछ आप चेक कर पा रहे होगे ऐसे। बाकी ये जो फंक्शन है, ये ये जो टचअप्स हैं गाड़ी के वो मुझे काफ़ी खास लगते हैं। बाकी ये आपका 2D आपका म्यूजिक क्वालिटी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो ऑफर करता है ऑटो एप्पल कार प्ले फंक्शंस के साथ। नेविगेशन भी आपको इस वेरिएंट में देखने को मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, माइलेज एवरेज आपको, फ्यूल इकोनॉमी, सारे इंस्ट्रक्शंस आपको इसी में देखने को मिल जाते हैं। तो बैक कर लेते हैं, यहाँ से कुछ बैक होता है इसका। बाकी टच की बात कर लेते हो तो टच मेरे हिसाब से थोड़ा सा लैकी ज़रूर आपको मिलता है। बाकी इसकी म्यूज़िक क्वालिटी सुननी हो तो आप हमको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे ज़रूर फॉलो करें, लिंक आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वहाँ पे जाके मोहित त्रिपाठी को ज़रूर फॉलो करें। और कोई भी क्वेरी चाहिए वो गाड़ी के बारे में फर्दर कोई भी क्वेरी आपको चाहिए हो तो वहाँ पे आप मुझसे DM करके पूछ सकते हो। यहाँ पे आपको एवरेज बाकी क्लॉक के फंक्शंस आपको ज़रूर ऑफर किए गए हैं। बाकी सेटिंग्स में जाके अपना आप सारे चीज़ें जो हैं वो आप इसमें चेक कर सकते हो। 2 AC इवेंट वो ऑफर किए गए हैं पियानो ब्लैक फिनिश के साथ, और एक AC इवेंट आपको को ड्राइवर साइड आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स जैसे फंक्शंस जो वो ऑफर किए गए हैं। बाकी यहाँ पे एक आपको पावर सॉकेट आपको देखने को मिलता है 12 वोल्ट का, एक USB पोर्ट आपको इसमें देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे मोबाइल के स्टोरेज जो हैं वो ऑफर किए गए हैं, 2 कप होल्डर्स आपको देखने को इस वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन विद रिवर्स, और रिवर्स कुछ इस तरीके से इंगेज होता है। बाकी आप चाहो तो इसमें आप आफ्टर मार्केट जो है वो कैमरा है रिवर्स कैमरा, वो टोयोटा की तरफ से आप ऑफर आप इंस्टॉल करवा सकते हो। प्राइस आपको 5,000 के आसपास वो कैमरा पड़ेगा, तो वो इसी से अटैच हो जाएगा, इस स्क्रीन से अटैच हो जाएगा। बाकी यहाँ पे क्रोम पियानो ब्लैक फिनिश जो है वो ऑफ़र की गई है आपको यहाँ पे भी। बाकी यहाँ पे आपको एक जो है वो हैंड ब्रेक ऑफ़र किया गया है, यहाँ पे आपको एक क्रोम फिनिश ज़रूर देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पे कुछ कॉइन्स रखने की जगह ज़रूर दी गई है, और यहाँ पे कुछ आपको मोबाइल रखने की जगह दी गई है। आप इस तरीके से अपना कुछ मोबाइल आप अपना इंगेज कर सकते हो, यानी कि रख सकते हो। 2 एयर बैग आपको इस वेरिएंट में सेफ्टी के तौर पे दिए जाते हैं, 2 एयर बैग आपको इस वेरिएंट में आपको सेफ्टी के तौर पर दिए जाते हैं। बाकी 1 beep ओवर स्पीड वार्निंग आपको इसमें देखने को मिल जाती है, पंचर किट आपको इस वेरिएंट में नहीं देखने को मिलती है। और बात कर ले तो यहाँ पे आपको चाइल्ड सीट एंकर्स पॉइंट आपको इस वेरिएंट में देखने को ज़रूर मिलते हैं। बाकी सीट बेल्ट वार्निंग जैसे फीचर्स और आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, रेयर में आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर की गई हैं, ABS विद EBD और ब्रेक असिस्ट जैसे इसमें फीचर्स आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आपको इसमें नहीं देखने को मिलता, जो कि हुंडई की i20 में आता है। बाकी टॉप वेरिएंट में जाते हो तो आपको हिल असिस्ट जैसे फंक्शंस आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं, हिल होल्ड कंट्रोल्स जिसको बोलते हैं वो आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। इसका आइए चेक करते हैं इसका ग्लव बॉक्स, तो ग्लव बॉक्स कुछ इस तरीके से आपको इस वेरिएंट में देखने को मिलता है। बाकी रूफ़ में बात कर लेते हैं, रूफ़ में क्या क्या ऑफ़र किया गया है, तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे रूफ़ में 2 आपको हैलोजन लाइट्स ऑफ़र की गई हैं, एक आपको ड्राइवर के सीधा हैंडल पे फोकस मारती है और दूसरा यहाँ पे कुछ फोकस मारती है। और बाकी यहाँ पे आपको डे एंड नाइट आपको IRVM मैनुअली दिया गया है, और यहाँ पे आपको एक सनशेड दिया गया है विच इज़ क्वाइट इनफ, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ज़्यादा ख़राब भी आपको इसमें नहीं देखने को मिलता है। यानी कि ये बस मतलब जितना फिक्स्ड है उतना ही रहता है, यानी कि ज़्यादा ये आप एक्सटेंड करना चाहो तो एक्सटेंड आपका नहीं होगा, आप कुछ इस तरीके से आपका मदद करेगा धूप के बचाव में। हाँ, बंद कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर ज़रूर देखने को मिलता है को ड्राइवर साइड विच इज़ गुड, और यहाँ पे भी आपको स्लाइड के ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से लगता है। बाकी आप लोगों की हाइट के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो भाई। बाकी माइक की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे दी गई है विच इज़ ऑल्सो गुड, और डैशबोर्ड जो प्लास्टिक क्वालिटी है विच इज़ गुड, मेरे हिसाब से क्वाइट इनफ है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है लेकिन ज़्यादा बेकार भी नहीं है, क्योंकि मारुति की बैलिनों को आप अच्छे तरीके से जानते हो। लेकिन
टोयोटा, जब आपका नाम के आगे किसी ब्रांड का नाम जुड़ता है तो ब्रांड वैल्यू उस कार में ज़रूर आ जाती है, यानी कि ग्लैंजा में अगर टोयोटा ने नाम जोड़ा है तो बट ऑलवेज सी बात है ग्लैंजा की आप तारीफ कर सकते हो बलिनो से। बाकी रेयर में चलते हैं, रेयर में आपको बता देते हैं कि रेयर से क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या स्पेसिफिकेशन जो हैं इस वेरिएंट में ऑफर किए गए हैं। बाकी गियर आप फर्स्ट गियर और कोई भी गियर आप लगाते हो तो यहाँ पे आपको ज़रूर शो होता है, ये भी एक टेकोमीटर की बात मैं आपको बता देता हूँ। रेयर सीट पे चलते हैं, रेयर में भी आपको बता देते हैं कि क्या क्या कितनी कितनी स्पेस जो है वो ऑफर की गई है। अभी मैंने ये सीट सबसे पीछे कर रखी है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सबसे पीछे सीट करने में कितनी जगह बढ़ती है ड्राइवर साइड वाले में। तो चलते हैं फटाफट पीछे वाली सीट पे और आपको बताते हैं क्या क्या कितनी स्पेस बचती है पीछे वाली सीट पे। ऑलराइट, आ चुके हैं रेयर सीट पे, यानी कि इसके रेयर सीट पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे कुछ इतनी स्पेस आपको यहाँ पे इस ये गाड़ी में ऑफर करती है। हालांकि मेरी हाइट 5.7 फीट है, 5.7 आप कह सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको बीच में एक हम्प देखने को मिलता है, रेयर सीट मतलब यानी कि को ड्राइवर वाली सीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पीछे है, फुल पीछे है, जितनी पीछे हो सकती है उतनी पीछे है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितना लेग स्पेस कितना आपको देखने को मिलेगा। बाकी रेयर में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर नहीं किए गए हैं और यहीं पे आपको आर्मरेस्ट भी ऑफर नहीं किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट कर देता है एक एस वेरिएंट में। लेकिन वैल्यू फॉर मनी एस वेरिएंट ज़रूर देखने को मिलता है, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको ऑफर किए गए हैं और यहाँ पे आपको स्टेरिंग माउंट कंट्रोल टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एस वेरिएंट से ही आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज देखने को मिलती है और यहाँ पे आपको एक यूएसबी चार्जिंग की पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है रेयर में भी। बाकी रेयर में कोई भी एसी इवेंट आपको ऑफर नहीं किया गया है। चलते हैं गाड़ी के बाहर और आपको इसके बोनट को एक्सेस करके दिखा देते हैं कि बोनट में क्या क्या ऑफर किया गया है, बोनट के इंजन की बोनट में इंजन की प्लेसमेंट कैसे की गई है, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चलते हैं इसके बोनट को एक्सेस करते हैं। बाकी रेयर का कुछ डोर जब ओपन होता है तो कुछ इस तरीके की लुक आती है गाड़ी की, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आप इसका जो बोनट एक्सेस करने का है बटन वो आपको यहीं से देखने को मिलता है, यहाँ से आप अपना बोनट जो है वो एक्सेस कर सकते हो। तो ये कुछ इसकी फुल प्रोफाइल लुक जो है वो आपको देखने को मिल जाती है इस टोयोटा ग्लैंजा की। ओके, बोनट का जो क्वालिटी है मतलब हैवीनेस जो है वो डिसेंट इनफ है, ज़्यादा अच्छी नहीं ज़्यादा बेकार भी नहीं। बाकी ये है 1.2 लीटर का VVT पेट्रोल इंजन विद जनरेट मैक्स पावर 88 bhp एंड मैक्स टॉर्क जनरेट 113 Nm का टॉर्क जो है वो जनरेट करके ये गाड़ी देती है। एक्साइड की बैटरी इस वेरियंट में ऑफर की गई है। बाकी ये आपका 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन है विच इज़ गुड और कुछ इस तरीके की आपको इंजन की प्लेसमेंट देखने को मिलती है। बाकी इंजन का प्रोटेक्शन गार्ड भी आपको इस वेरिएंट में देखने को मिलता है, आप चेक कर पा रहे होगे। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताओ कि आप लोगों को टोयोटा की ग्लैंजा कैसी लगी। बाकी टेस्ट ड्राइव बुक करनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, वहाँ से आप अपनी टेस्ट ड्राइव बुक कर सकते हो। लखनऊ में हैं अगर आप तो, लखनऊ से बाहर हो तो आप अपने नियरेस्ट टोयोटा के शोरूम जो है वो विजिट कर लेना, वहाँ से आपको टेस्ट ड्राइव मिल जाएगी। मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें और हमारी वीडियो को इंजॉय करते रहें। टिल देन पीस।